लास्ट पढ़ रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर में हमने एंड और पढ़ लिया था और थोड़ी सी हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। अच्छा, और उसके बाद हमने क्या कर लिया, एक हमारा जो है ना लॉजिकल ऑपरेटर रह गया था आखिरी, दैट वाज लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट जो है वो सबसे आसान है, क्योंकि लॉजिकल नॉट की जो ट्रूथ टेबल है लॉजिकल नॉट की जो ट्रूथ टेबल है वो उसमें पहले वाले में चार होते थे ना, इसमें दो ही हैं बस। अच्छा, मिसाल के तौर पे किसी भी चीज़ पे अगर नॉट लग जाए तो वो अपोजिट हो जाता है, किसी भी चीज़ पे अगर नॉट लग जाए तो वो अपोजिट हो जाती है, अगर वो ट्रू है तो फॉल्स हो जाता है, फॉल्स है तो ट्रू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कैसे इसकी ट्रूथ टेबल है। अच्छा, एक और बात इसकी है कि हमने इससे पहले जो ऑपरेटर्स अभी तक पढ़े हैं वो सारे बाइनरी ऑपरेटर्स थे, जो दो ऑपरेंड लेते थे, जैसे टू प्लस टू, तो प्लस बीच में एक तरफ भी टू है दूसरे तरफ भी टू है, तो दो ऑपरेंड लेते थे, ठीक है। फिर हमने एक ऑपरेटर ऐसा भी पढ़ा था जो यूनरी ऑपरेटर था, जो सिर्फ एक ऑपरेंड लेता था, यानी कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जो ऑपरेटर था। ये भी जो क्या है, ये यूनरी ऑपरेटर है, इसको एक ऑपरेंड चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर ट्रू, और इसके ऊपर अगर आप लगाएंगे ना नॉट, ये ट्रू से पहले लगेगा नॉट, सही है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये फॉल्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये नॉट आप लगाएंगे फॉल्स पे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रू के इक्वल हो जाएगा, सही है। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल है, किसी भी चीज़ पे अगर नॉट लगाएंगे तो वो अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, अगर ट्रू फॉल्स के अलावा किसी और चीज़ पे आपने नॉट लगाया, तो मिसाल के तौर पे जैसे कार लिखा हुआ है, अब इस पे मैंने नॉट लगा दिया, वैसे तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए होता है बूलियन, जैसे हमने ऊपर वाले लॉजिकल ऑपरेटर को भी देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट इसको बूलियन चाहिए होता है, लेकिन अगर बूलियन के अलावा आपने कोई और चीज़ इसको दी तो ये क्या बिहेव करेगा, वो देखेगा कि ये फॉल्सी वैल्यू है या ट्रूथी वैल्यू है। ये क्या है, ट्रूथी वैल्यू है फॉल्सी है, हमने सात ऐसी वैल्यूज़ का जिक्र किया था इस क्लास में जो फॉल्सी होती हैं, तो क्या उनमें से ये है, कौन कौन सी थी वो सात फॉल्सी वैल्यूज़, कोई अगर रिपीट कर सके। ज़ीरो था, एम्प्टी स्ट्रिंग, और बोलो, अनडिफाइंड, नल, और एक था फॉल्स, खुद भी तो फॉल्सी है ना, तो ये पांच हो गया। अच्छा, उसके अलावा छः और सात जो है वो ज़ीरो किसी भी फॉर्म में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, ज़ीरो, तो वो टोटल सात वैल्यू है, वो आप गूगल कभी भी कर सकते हैं इजीली, तो उसमें से ये नहीं है। एम्प्टी स्ट्रिंग होता तो ये फॉल्स, तो ये ट्रूथ ही है, तो इसको ये क्या बना देगा, इसको ये फॉल्स बना देगा। तो हमने ये भी देख लिया कि कोई भी दूसरा डेटा टाइप आ जाए इसमें बूलियन के अलावा, तो उसको वो चेक करेगा कि अगर ये फॉल्स ही है तो उसको फॉल्स के तरह पर ट्रीट करेगा, अगर वो ट्रूथ ही है तो उसको ट्रू के तौर पर ट्रीट करेगा और उसको अपोजिट कर देगा। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल है, वैसे तो यही ऊपर वाली दोनों है, ये तीसरा मैंने खुद से ऐड कर दिया आपको जस्ट समझाने के लिए और एक एडिशनल डिटेल के लिए। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक आपके पास वेरिएबल है लेट इज ओपन इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। आमतौर पे जो बूलियन सेव करवाते हैं ना डेटाबेस में, वो उसके नाम के साथ होता है इज, जब भी किसी चीज़ के साथ इज लगा हुआ होगा ना तो आप समझ जाए ये बूलियन होगा, इसके अंदर ट्रू या फॉल्स होगा, एक कन्वेंशन है। फॉलो नहीं भी करेंगे तो कोड आपका सही चलेगा, लेकिन आमतौर पर डेवलपर उसको फॉलो करते हैं और उसको फॉलो करना बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है कि कोई भी बूलियन वेरिएबल के साथ ना इज लगा हो। तो डेटा आप मिसाल के तौर पे कोई आईओटी की ऐप बना रहे हैं, कोई ऐसी ऐप बना रहे हैं जिसमें आपको गेट ओपन करवाना और क्लोज करवाना पड़ सकता है, तो गेट का जो स्टेटस है वो आप डेटाबेस में कैसे सेव करवाएंगे, इज ओपन, ट्रू या फॉल्स, सबसे बेस्ट तरीका ये, ठीक है। अगर स्ट्रिंग में पूरा मैं ओपन लिखूं और क्लोज लिखूं तो क्या ये बेस्ट है या ट्रू फॉल्स करवाना बेस्ट है, क्यों, बूलियन तो है लेकिन ट्रू फॉल्स, ओपन में चार कैरेक्टर होते हैं, फॉल्स में पांच कैरेक्टर हैं, तो फॉल्स में और ट्रू फॉल्स में करवाना फिर बेनिफिशियंट तो है, ये तो बात सच है, लेकिन है क्यों ये भी पता होना चाहिए ना साथ में कि क्यों ट्रू फॉल्स में करवाना बेनिफिशियंट है, क्योंकि बूलियन मेमोरी कम लेता है, बूलियन स्टोरेज कम लेता है,
वो इसलिए स्टोरेज कम लेता है कि हमें ये ट्रू फॉल्स दिख रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या है, ये वन बिट है जो कि जीरो या वन है। ऑन अदर एंड अगर मैं स्ट्रिंग में लिखता है चार कैरेक्टर तो वो कितने बिट होते हैं, दो कैरेक्टर पर बिट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के केस में दो बाइट पर कैरेक्टर जावास्क्रिप्ट के केस में, ठीक है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग हो सकता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट UTF-16 यूज़ करता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक कैरेक्टर दो बाइट का होता है। तो चार कैरेक्टर के कितने हुए, आठ बाइट हो गया, सही है। तो एक तरफ आठ बाइट है और एक तरफ एक बिट है, तो काफ़ी डिफरेंस है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे बुलियन का इस्तेमाल हम कर लें, ठीक है, और जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता फिर हम वहाँ पे बुलियन का इस्तेमाल नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे अगर मार्शल स्टेटस पूछना है बंदे का, मार्शल स्टेटस बंदे का पूछना है अगर तो पॉसिबिलिटीज दो ही है कि मैरिड और अनमैरिड, तो तब तो हम ट्रू फॉल्स में कर सकते हैं कि हम कहेंगे इज मैरिड ट्रू या फॉल्स। लेकिन अगर दो के अलावा और तीन चार हैं तो फिर मेरे लिए बुलियन में लेना पॉसिबल नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि मैं कौन सी ऐप बना रहा हूँ, अगर उसमें मार्शल स्टेटस जो है वो इतना मैटर नहीं करता। मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में, आप किसी बर्गर की दुकान में आप बंदा हायर कर रहे हैं, बर्गर बनाने की दुकान है, बंदा हायर कर रहे हैं, KFC है कोई, एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में ये लिखा होता है ना मैरिड और नॉट मैरिड, तो उसमें ये दो ही ऑप्शन होगा, मैरिड और अनमैरिड, यही होगा ना उसमें, तो उसमें वो लगा देगा। लेकिन अगर मैट्रिमोनियल की कोई ऐप है, रिश्ता लगाने वाली ऐप, उसमें तो दो ऑप्शन नहीं होंगे, उसमें तो तकरीबन 12 के करीब ऑप्शन होंगे उसमें, सिंगल, ठीक है, मैरिड, डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड, ठीक है, सेपरेटेड भी होता है कि निकाह कायम है लेकिन बंदा सेपरेट हुआ है, विडोर्ड हो सकता है क्योंकि खवातीन के केस में विडोर्ड, और वो मर्द में क्या होता है विडोर्ड का उर्दू में तो वर्ड उसके लिए रंडवाई यूज़ करते हैं, जो सही आपने कहा, उर्दू ग्रामर के में एक वर्ड है ये, अब आपको सुनने में जैसा भी लगेगा ये उर्दू का वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में भी कोई ना कोई वर्ड इसके लिए होगा। तो वेल तकरीबन 10 से 12 कुछ बनते होंगे इसके, जहाँ तक मुझे लगता है, तो वो फिर उसमें ज़ाहिर है बुलियन लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये ऐप टू ऐप वेरी करेगा कि जिस ऐप में आपको सोफिस्टिकेटेड किस्म का डेटा चाहिए ना इज मैरिड का, तो उसमें बुलियन लेना पॉसिबल नहीं होगा, तो वहाँ पर हम कुछ और करेंगे, वहाँ पर मे बी स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, और लास्ट में वहाँ पे अदर भी होगा, अदर पे चेक लगा के फिर वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा कि भाई अगर जो हमने 12 लिखे हैं उसके अलावा भी कोई नया है तो आप यहाँ लिख दो, ठीक है, क्योंकि जेंडर भी आप 6-7 तो जेंडर हो गए, तो पता चले किसी ने शादी की हो फिर बाद में जेंडर चेंज हुआ, क्योंकि हो रहा है दुनिया में, ये हमारे यहाँ भी नहीं हुआ है अल्लाह का शुक्र है, तो उसने वो जेंडर वेंडर चेंज, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, 12 में वो पूरा मेरा ख्याल है नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो एक हो गई मजाक की बात, तो मैंने कहा कि इज ओपन फॉल्स, तो अब जब मैं इफ चेक करूंगा ना, इफ जब इफ के अंदर जब मैं कंडीशन लगाता हूँ तो मैं इसके साथ नॉट लगा सकता हूँ, मेरे पास जो है वो क्या है ऑप्शन है कि मैं नॉट लगा के उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर गेट मेरा जो है अगर ओपन है, ठीक है, ट्रू है, तो अगर कोई बंदा गेट ओपन करने की इंस्ट्रक्शन मुझे देता है कि गेट ओपन करो, गेट में आमतौर पे जो IoT में मोटर लगी होती है तो आपने क्या करना है, मोटर को ऑन करवाना है, असल में API को ही कॉल करेंगे मोटर ऑन हो जाएगी, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि अगर इज ओपन फॉल्स है, यानी गेट पहले से खुला हुआ अगर नहीं है तो आप क्या करो, ओपन गेट को आप कॉल करवा दो, सही है, इस तरह करके ओपन गेट आप कॉल करो, ओपन गेट अभी बना हुआ नहीं है, हमने बनाया हुआ नहीं है ओपन गेट, लेकिन अगर आप कहेंगे कि अगर पहले से ओपन नहीं है ना तो करो इसको, तो यहाँ पे लॉजिकल नॉट आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। थ्रू आउट द कोर्स आप देखेंगे कि लॉजिकल नॉट को नल चेक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर कहीं से हम API कॉल करते हैं और वहाँ से जब डेटा आता है तो हम उस डेटा को चेक करते हैं कि ये कहीं डेटा अनडिफाइंड या कोई फॉल्सी वैल्यू तो नहीं आ गई है, क्योंकि समटाइम API कॉल की फेल भी हो जाती है, ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि अगर जो मैं चीज़ प्रिंट करवाने लगा हूँ या मैं जो स्क्रीन पे दिखाने लगा हूँ वो नल तो नहीं है, तो उसके लिए भी नॉट का जो ये ऑपरेटर है ना ये इस्तेमाल होता है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो ये लॉजिकल नॉट हम साथ साथ करते ही रहेंगे तो वो पता चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और रह गई थी कि लॉजिकल एंड, और बल्कि उसको मैं लॉजिकल एंड के साथ ही करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ इस जगह जहाँ पर ट्रूथ टेबल बनी हुई है ना इसकी। अगर मैं ये बोलूं लेट
फोर इक्वल्स टू ठीक है, अगर मैं इस तरह से बोलता हूँ ये मैंने और का ऑपरेटर दिया है, ये कोई वेरिएबल है, सही है, ये क्या है, ये कोई वेरिएबल है, वेरिएबल को मैं छोटा कर देता हूँ, बहुत लंबा वेरिएबल लिख दिया था मैंने, ये कोई वेरिएबल है। इस तरह से बाय द वे ये बहुत यूज़ होता है, अभी जब हम सर्वर पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें हम दोबारा निकल के सामने आ जाएंगी। अच्छा, तो पॉइंट बताने का ये है कि अगर और के ऑपरेटर को बूलियन के अलावा कोई दूसरी चीज़ मिलेगी तो वो क्या बिहेव करेगा, वो क्या बिहेव करेगा। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये बनी एक वेरिएबल है, बीच में और लगा हुआ है और दूसरी तरफ भी एक कोई वैल्यू है, ठीक है, तो और का ऑपरेटर पहली वाली वैल्यू को देखेगा, अगर वो वैल्यू फॉल्सी है, ठीक है, अगर तो वैल्यू ट्रूथी है तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, आगे बढ़ेगा नहीं है, ठीक है, तो ये पूरी स्टेटमेंट क्या रिटर्न कर देगा, पोर्ट के अंदर जो भी 23 मिसाल के अंदर 23 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये पोर्ट अनडिफाइन हो गया या एम्प्टी स्ट्रिंग हुआ या जीरो हुआ या नल हुआ तो क्या करेगा ये पूरी स्टेटमेंट, फिर ये पूरी स्टेटमेंट क्या करेगी, फिर सेकंड वाली चीज़ रिटर्न करेगी 3000 वाली, और ऐसे और लगा के मैं जितना आगे जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल बनाओ पोर्ट के नाम से, अगर वो पोर्ट वेरिएबल में मिल जाए तो उसको उठा लो, अगर वेरिएबल में नहीं मिले तो ये नंबर उठा लो उसके अंदर, तो ये इस तरह से आपको अक्सर देखने को मिलेगा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं ये काम एंड में करूँ, इसको मैं पोर्ट को रोक देता हूँ और मैं इसमें एंड लगा देता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, अब ये भी ट्रूथ ही चाहिए उसको और ये भी ट्रूथ ही चाहिए, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये दोनों को मिला के रिटर्न क्या करेगा, ये यहाँ पे ना एंड और का बिहेवियर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैंने यहाँ पे उसको दे दिया अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड के साथ एंड एंड लगा के एंटर कर दिया, तो इसने क्या रिटर्न किया मुझे, अनडिफाइंड। अगर यहाँ पे मैंने इसको दे दिया 4 दे दिया तो इसने 3000 रिटर्न किया, नहीं ग्रेटर वैल्यू नहीं है, गौर से देखो क्या हो रहा है, ये ग्रेटर वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा, मैंने एक तरफ ये ट्रूथी और फॉल्सी देख रहा है असल में, ये नंबर नहीं देख रहा कि नंबर क्या लिखा हुआ है, ये ट्रूथी और फॉल्सी देख रहा है। और का साइन क्या करता था, चेक करते हुए जाता था, जो पहला ट्रूथ ही मिलता था ना वो रिटर्न कर देता था, जो पहला ट्रूथ ही मिलता था वो रिटर्न कर देता था, सही है। अच्छा, इसमें अगर दोनों ट्रूथ ही हैं तो ये क्या करता है, ये आखिरी वाला ट्रूथ ही रिटर्न करता है, वो पहला वाला कर रहा था, थोड़ा सा डिफरेंस ये एक। अच्छा, अगर इसको एक फॉल्स ही मिल जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसको एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाए तो ये क्या कर रहा है, तो भी आखिरी वाला ही कर रहा है। अच्छा, अगर इसको शुरू में फॉल्स ही मिल जाए तो शुरू में ही रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। तो इसका बिहेवियर क्या है, हमारे पास जो और का बिहेवियर था वो कहता था कि फर्स्ट ट्रूथी वैल्यू जो है ना वो रिटर्न करता था ये, और ये क्या करता है, ये फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू रिटर्न करता है। इस केस में क्या करता है, ये फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू रिटर्न करता है, तो दोनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये लाइन नंबर 41 वाला जो है ना ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये बहुत रेयर केसेस में इस्तेमाल हो रहा होता है जो एंड वाला होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फर्स्ट फॉल्सी करता है, ये फर्स्ट ट्रूथ ही करता है। अच्छा, तो ये हमने थोड़ा सा एक देख लिया कि यार वैसे आमतौर पर ये कवर नहीं किया जाता इस पॉइंट पर कि मतलब लॉजिकल ऑपरेटर को बूलियन के अलावा मिलेगा तो वो क्या करेगा, लेकिन जस्ट मैंने एक आपको डेटा दिया है, इसको ज़्यादा अभी जहन मतलब ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा अभी इस चीज़ को, क्योंकि ये दो लाइन काफ़ी डिफिकल्ट लग रही होगी देखने के अतबार से, ठीक है। ये जब हम सर्वर पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ यही लाइन एग्जैक्टली हम दोबारा लिख रहे होंगे वहाँ पर, तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कि अच्छा यार ये वही लॉजिकल ऑपरेटर है और वाला, ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अच्छा, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहीं पर कॉमेंट करके हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर जो था वो कंप्लीट कर लिया अपना, लॉजिकल ऑपरेटर के बाद हमारे पास क्या मौजूद है, लूप मौजूद है। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी रहता है, एरे भी रहता है।
अच्छा, लूप को पढ़ने से पहले हमें एक चीज जो रहती है ना, एरे, ये पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एरे बना है लूप के लिए और लूप बना है एरे के लिए। तो